बट हम यहाँ से करें, हमारा हंसराज कॉलेज। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक से हूँ। तो चार दिन से व्लॉग नहीं आया क्योंकि सेहत थोड़ी ख़राब थी और लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बट अब से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा रेगुलर व्लॉग्स करने की। तो थोड़ा डीमोटिवेट भी हो गया था क्योंकि थोड़े व्यूज़ भी कम आ रहे थे और थोड़ा उनका प्यार भी कम आ रहा था, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं डाला मैंने। तो अब इंशाल्लाह से रेगुलर व्लॉग आएंगे, रेगुलर करेंगे हम व्लॉग, व्लॉगिंग रेगुलर करेंगे। हफ्ते में 3 से 4 व्लॉग तो डालूंगा इंशाल्लाह, अब से कोशिश यही रहेगी। आज हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर आना स्टूडेंट्स का सपना होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस जाएंगे, आपको दिखाएंगे नॉर्थ कैंपस में क्या क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा कॉलेज है, क्या क्या करते हैं बच्चे यहाँ पर। मेरे साथ चलते हैं, पहले हम बाहर की तरफ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं हम नॉर्थ कैंपस की तरफ, आपको नॉर्थ कैंपस दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नॉर्थ कैंपस का, होता वहाँ से जाना है बट हम यहाँ से करें। हमारा हंसराज कॉलेज, तो ये वो कॉलेज है जहाँ से शाहरुख खान भी पढ़ कर गए हैं, बड़ी बड़ी सारी। हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल है। ये आगे हिंदू कॉलेज का 4th गेट, इस साइड जो आगे, ये आगे स्टीफन कॉलेज, स्टीफन कॉलेज के अंदर, और इस साइड आगे हिंदू कॉलेज है। ये आगे स्टीफन, दोनों एक टाइम में बताने पड़ रहे हैं, और ये दोनों बेस्ट कॉलेजेस हैं मेरे हिसाब से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस हैं दोनों, है ना फैसल भाई? इन दोनों का रोल है, इन दोनों कॉलेज का बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एडमिशन मिलना मान लो मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है, टफ। इधर का कट सबसे हाई जाता है यहाँ का, और मिरांडा हाउस का, खाली गर्ल्स कॉलेज है वो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ के लिए, ऐसे नहीं मिलते ये कॉलेज, ये मज़े ऐसे नहीं मिलते फैसल भाई, मेहनत चाहिए इसके लिए। अब यहाँ से चलेंगे हम सीधा आगे ऊपर वाली तरफ, हाँ अब आगे आएगा हमारा रामजस कॉलेज, ये कुछ एरिया है, अच्छा है, स्टूडेंट्स एरिया है, मन लगा रहता है बस। हाँ फैसल भाई, ये आ गया हमारा रामजस कॉलेज, यहाँ पर बैटरी वगैरह चलती हैं। ये आ गया रामजस कॉलेज जहाँ पर हमारे आमिर भाई पढ़ते हैं और चिराग भाई पढ़ते हैं। ऊपर वाली साइड क्या है फैसल भाई? अच्छा, ये रामजस कॉलेज बाहर बैठ से दिखा रहे हैं अभी आपको, मेरे कुछ दोस्त पढ़ते हैं यहाँ पर। इफ़ आप PM SSS के बेस पर आते हो तो आपको कॉलेज मिल सकते हैं अच्छे, अगर आपके नंबर अच्छे हैं। यहाँ से ऊपर चलो, पहले राइट हो लेते हैं, ऊपर से एक खालसा कॉलेज आता है यहाँ पर और एक दूसरा। मिरांडा हाउस, ये आ गया मिरांडा हाउस, गर्ल्स कॉलेज है, और सबसे हाई कट अगर किसी कॉलेज का जाता है ना तो वो यही कॉलेज है, और सबसे है भी खाली गर्ल्स कॉलेज है ये मिरांडा हाउस। सही है सही, ये आ गई SGDP खालसा का हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल, सबसे महंगा हॉस्टल है पूरी पूरी नॉर्थ कैंपस में। आगे मिरांडा हाउस, अभी बाहर बैठ से, ये आ गया खालसा कॉलेज का बैक गेट, फ्रंट गेट उस साइड है, यहाँ पर हमारे कामरान भैया पढ़ते हैं, मेरा रूममेट, ये भी बेस्ट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज, सभी कॉलेज अच्छे हैं यहाँ पर। हाँ फैसल भाई, हाँ लिहाज से कॉलेज अच्छे हैं, परसेंटेज पर पहले तो आता था मेरिट बेस, अब मेरिट बेस पर नहीं है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, वापस से उसी नंबर पे। ये आ गया फ्रंट गेट खालसा कॉलेज, गाड़ी आ गई,
कॉलेज का फ्रंट गेट, यहाँ पर हमारे कामरान भाई पढ़ते हैं। अब यहाँ से कहाँ पर जाना है? ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए आए हम ना आए। मेट्रो स्टेशन यहाँ से दरअसल नॉर्थ कैंपस स्टार्ट होता है, हमने वहाँ से स्टार्ट किया था क्योंकि हम वहीं पढ़ते हैं, बार बार हम वहाँ पर घूम नहीं सकते। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नॉर्थ कैंपस, ये विश हाँ बैक साइड से, हाँ वो उस साइड से, वो बैक साइड से यहाँ पर स्टार्ट आके मेट्रो स्टेशन, यहाँ से आगे निकलती है हाईवे, जिसमें क्वार्टर्स जो प्रोफेसर के क्वार्टर्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन। अभी आप कैंपस देख लो, हाँ फैसल भाई जिस कैंपस के लिए मरते हैं लोग वो कैंपस देख लो आप, रोला है इस कैंपस का बच्चों में। फर्स्ट ले लो, अच्छा उसके बाद कॉलेज वगैरह मज़े ले लो, पढ़ाई ले लो, सब कुछ होता है यहाँ पर, बस मेहनत करो और आ जाओ यहाँ पर जिसको आना है। हाँ यहीं से आगे जो चौक आता है पटेल ट्रस्ट का, जहाँ से हम अभी गए थे। अब है जो है वो समा है तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। और ये फ्रंट आता है हमारे किरोड़ी मिल कॉलेज का गेट, कॉलेज जो अपना हॉस्टल है हॉस्टल गेट, और हॉस्टल गेट के साथ में आता है हमारा कॉलेज, ये आ गया। अंदर से ही देखा, अपने बाहर से नहीं देखा, क्योंकि सोचा बाहर से भी दिखाते हैं। हमने बैक साइड जाना है ना, हाँ ये एग्रीकल्चर वगैरह का, इसके आगे आता है FMS, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। जहाँ पर आना तो सही में सपना ही है सबका, फ्रंट गेट जाना है, बैक गेट जाके हमारे कॉलेज का गेट, बैक गेट जाना है ना, बैक गेट चलना है ना हमें, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, वो ऊपर जो लिखा हुआ है वो हमारे यहाँ की जनसंख्या है इंडिया की और दिल्ली की। आए 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 हम ना आए ऐसे जी। ये आ गया हंसराज का हॉस्टल गेट, ये आता है हमारा कमला नगर चौक जहाँ पर मैं रहता हूँ, ठोको गई क्या अंदर, मैं इस साइड रहता हूँ, यहाँ पर KFC वगैरह मैकडी सब मिलेगा, यहाँ पर शोरूम्स बड़े से बड़े, बड़ी अच्छी मार्केट है कमला नगर के अंदर वाली साइड। कवर शॉप घूमने के लिए बेस्ट, खाने पीने के लिए भी बेस्ट, बस महंगा है थोड़ा सा बट अच्छा है। ये आगे अंदर मार्केट छोटी सी, यहाँ से अंदर मेरे रूम का रास्ता जाता है। अब आ गए हम अपने कॉलेज के बैक गेट पे, हम लगाएंगे यहीं पर स्कूटी और यहीं से जाएंगे अंदर, आपको अंदर चल के मिलते हैं हम, आ जाओ। तो आ गए अब हम अंदर, तो नान भाई भी आ गए थे, नान भाई का वेट कर रहे थे, नान भाई भी आ गए, तो हो गए वहाँ से, आपको कैंपस वगैरह दिखा लिया मैंने कैंपस का हिसाब है। दरअसल मसला ये कि हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है इसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, तो अभी हमने आपको कुछ ही कॉलेजेस बताए हैं जैसे हिंदू हो गया, स्टीफन हो गया, रामजस, किरोड़ीमल। तो ये जो नॉर्थ कैंपस है ना, ये बच्चों का सपना होता है यहाँ पर आना, बट इस सपने को पूरा करने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो चलो ठीक था, पहले मेरिट बेस पर एडमिशन मिल जाती थी, तो बट अब मेरिट बेस पर एडमिशन नहीं मिलती, अब एंट्रेंस होता है इसका, और जो अब आपका जो मतलब ट्वेल्थ में आपके इतने मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करते, यहाँ पर जब आपका एंट्रेंस होगा एंट्रेंस के बाद आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज दिए जाएंगे, जैसे हिंदू कॉलेज है, स्टीफन कॉलेज है, कुछ जो कॉलेज है उनका कट बहुत हाई जाता है, स्टीफन अच्छा उसके बाद हिंदू, मिरांडा हाउस, खालसा कॉलेज, लगभग सब कॉलेज का जो कट है वो 90% से ऊपर ही जाता है। पहली बात तो ये उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और जो स्टीफन कॉलेज है उसका तो बहुत ही टफ है, उसका पहले एंट्रेंस होता है, स्टीफन का तो एंट्रेंस है, एंट्रेंस हाँ एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के बाद उनका वाईवा भी होता है, एक इंटरव्यू टाइप का कुछ होता है, इंटरव्यू टाइप का होता है, उधर एडमिशन लेना तो बहुत टफ है, बट जो कॉलेज है ना वो बेस्ट है। आप कमेंट करके बताओ अगर आपको कॉलेज अंदर से देखने हैं, तो मैं आपको कॉलेज वगैरह अंदर से भी दिखा दूंगा, और आपको जो भी आप फॉर्म लगने वाले हैं आगे तो उसके लिए तैयारी करो,
बाकी किरोड़ी मल जो कॉलेज है, हमारा जो कॉलेज है वो भी बेस्ट है, टॉप 10 में आता है ना। टॉप 10 है सारे ऑल ओवर इंडिया। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 में हमारा कॉलेज भी आता है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है ना, मेरे हिसाब से बेस्ट, घूमना फिरना, घूमने के लिए, मज़े के लिए, पढ़ने के लिए, मतलब सारा है ना, स्टूडेंट एरिया है आराम से। हाँ, हर चीज़ के लिए सही चीज़ है। तो देख लो आप कब एडमिशन वगैरह होंगी, तो एंट्रेंस की तैयारी करो और आ जाओ यहाँ पर, मज़े यहाँ पर। और क्या है नाल भाई, मज़े भी है, पढ़ाई पढ़ाई भी है, दोनों चीज़ें साथ में, दोनों चीज़ें हैं। मतलब मैं अगर जो जम्मू कश्मीर से देख रहा है मेरी वीडियो, तो मैं उनको बताता हूँ कि वहाँ से यहाँ पर बेस्ट है, वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर जो वो चीज़ मिलती नहीं है हमें, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है यहाँ पर आकर, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत, मतलब इंसान किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो करो मेहनत, मिलते आ जाओ, जो भी आना चाहता है यहाँ पर आ जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो और दुआ में याद रखो, खुदा हाफिज़।